G20 नेताओं के सम्मेलन की नई दिल्ली घोषणा पर असहमति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परिवार नाम से दूसरे सत्र के दौरान घोषणा को पारित किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने घोषणा को अंतिम रूप देने में शामिल मंत्रियों, शेरपाओं और अधिकारियों को बधाई दी। फ्रेंड्स, अभी भी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इससे पहले G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमनी को स्थायी सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। भारत ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया था। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। शिखर सम्मेलन में एक पृथ्वी के नाम से आयोजित पहले सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता देश के भीतर और बाहर समावेशी भावनाओं का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा G20 भारत में अब जन सामान्य का संगठन बन गया है और करोड़ों लोग इससे जुड़ गए हैं।